हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली की शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज करके चीजों को आसान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मुख्य मेन्यू। और अगर आपको यहां से कहीं भी जाना है, तो अगर मान लीजिए आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, तो देखिए अकाउंट इन्फो का क्या हाईलाइट है, ए हाईलाइट है, तो आपको खाली ए प्रेस करना है और ए प्रेस करते ही आप अकाउंट इन्फो में चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं वी हाईलाइट है, तो अगर वी प्रेस करेंगे तो आप वाउचर में चले जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं आई हाईलाइट है, तो आई प्रेस करेंगे तो इन्वेंटरी इन्फो में चले जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ए प्रेस करने से हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं या नहीं। तो ए प्रेस किया तो देखिए अकाउंट इन्फो में आ गया। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो जी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर लेजर बनाना चाहते हैं तो एल प्रेस करिए, तो एल प्रेस किया। अब इसमें सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर है, तो सिंगल लेजर के लिए आप पी प्रेस कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए केवल डी प्रेस करना है, अल्टर के लिए केवल ए प्रेस करना है। अगर आप मल्टीपल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो केवल आर प्रेस कीजिए, और अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आई प्रेस कीजिए, और अगर मल्टीपल लेजर्स को अल्टर करना चाहते हैं तो टी प्रेस कर सकते हैं। बाहर आने के लिए खाली क्यू प्रेस करना है, तो क्यू प्रेस कर देते हैं। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो जी प्रेस कर दीजिए। वाउचर टाइप के लिए वी प्रेस करना है, और क्विट होने के लिए केवल क्यू प्रेस करना है। तो इससे क्विट हो गया मैं। यहां पर देखिए इन्वेंटरी के लिए खाली आई प्रेस करना है। आप स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो जी प्रेस कर लीजिए। अगर आइटम बनाना है तो आप आई प्रेस कर लीजिए। अगर आपको यूनिट का मेजरमेंट बनाना है तो यू प्रेस कीजिए, और वाउचर टाइप के लिए वी तो प्रेस ही करना है आपको। कॉपी एलोकेशन डिटेल एक ऑप्शन आता है, तो एलोकेशन डिटेल में जाने के लिए ए प्रेस करना है। टैक्स रेट सेटअप के लिए आपको एस प्रेस करना है, और क्विट होने के लिए तो क्यू प्रेस करना है, ठीक है। और अगर अकाउंटिंग वाउचर में जाना चाहते हैं तो केवल वी प्रेस कीजिए, और वी प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है इन्वेंटरी वाउचर में अगर आपको जाना है तो ये देखिए नीचे एक लाइन सी बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, तो अल्ट F1 कर देना है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 कीजिए। अगर कंपनी जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई दूसरी, तो F3 प्रेस कर सकते हैं कंपनी में जाने के लिए। और अगर कंट्रा वाउचर में जाना है तो F4, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, F7 प्रेस करेंगे जनरल के लिए, F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। और यहाँ पे देखिए दो लाइंस बनी हुई हैं और ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो ये आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो F8 जब प्रेस करेंगे आप, तो आप चले जाएंगे क्रेडिट नोट में। किसके साथ F8 प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ। लाइन दो बनी हुई है नीचे ना, तो इसका मतलब कि वो बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर F9 प्रेस करेंगे तो परचेज में जाएंगे, और फिर यहाँ देखिए कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट। अगर रिवर्सिंग जर्नल में जाना चाहते हैं तो F10 प्रेस कीजिए, और अगर आप जाना चाहते हैं मेमोज में तो यहां पर कंट्रोल के साथ F10 प्रेस कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री होती है, अगर वो करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ T प्रेस कीजिए। ऑप्शनल पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ L प्रेस कीजिए। बाकी फीचर्स के लिए तो F11 और कॉन्फिगर के लिए F12 ही प्रेस करते हैं। इसके अलावा ऊपर आपको कुछ बटन दिखेंगे जैसे प्रिंट, तो इसके नीचे एक ही लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब अल्ट के साथ पी, एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट के साथ ई, मेल करने के लिए अल्ट के साथ एम, अपलोड करने के लिए अल्ट के साथ ओ, और यहाँ पे डबल लाइन बनी हुई है, तो टैली शॉप पे जाना या खरीदना है टैली तो यहाँ पर आप उसके लिए प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज पे चले जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। कंट्रोल सेंटर पे जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ की, तो एक बार कर देता हूं कंट्रोल के साथ। देखिए ये कंट्रोल सेंटर है आपका, तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे कंट्रोल पर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर पर। तो कंट्रोल के प्रेस करना है आपको, और ये इस तरीके से यहां पर आ जाएंगे आप, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट सेंटर पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एच दबाइए, तो ये आपका सपोर्ट सेंटर है, ठीक है, तो सपोर्ट सेंटर पर चले जाएंगे। ये आपका सपोर्ट सेंटर है, ठीक है, देख सकते हैं, और ये आपका कंट्रोल सेंटर है, तो दोनों लगभग एक जैसा दिखता है। और यहां पर हेल्प के लिए आपको अल्ट के साथ एच प्रेस करना है, तो आप हेल्प वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये हेल्प वाला खुल जाता है, और यहां पर आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि आपको कैसे करना है और शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।